नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब में हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा लेकर बैठे हैं जो कि अपने आप में एक गंभीर समस्या भी है। बात होगी आज के खास एपिसोड में यौन संबंधी बीमारियों की और साथ ही साथ उनके साथ जो भ्रांतियाँ आती हैं उनकी भी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। डॉक्टर अजय कुमार यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ ये पाम व्यू हॉस्पिटल्स पटना के यूरोलॉजिकल कंसल्टेंट भी हैं और इसके अलावा पारस एचएमआरआई पटना के डायरेक्टर भी। डॉक्टर साहब से हम इस मुद्दे पर सवाल जवाब शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, यौन संबंधी बीमारियां जो होती हैं उन पे हम चर्चा करेंगे क्या होती है, उससे पहले मैं चाहूंगी आप दर्शकों को ये समझा दें कि उनसे जुड़ी भ्रांतियां जो हैं वो क्या क्या फैलाई जाती हैं। यौन संबंधी बीमारी जो है ज़्यादातर जब सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं उन्हीं लोग में होती है जी। तो ये बीमारी यंग और नवयुवकों में और प्रौढ़ लोगों में होती है। तो भ्रांतियाँ तो बहुत हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जिसको यौन रोग हो जाता है वो कितना बहाना बनाता है ये समझने की बात है। वो कभी बोलवे नहीं करेगा कि ये यौन रोग मुझे कहीं के सेक्सुअल कांटेक्ट से होगा। अब जब मैं यंगर यूरोलॉजिस्ट था तो मेरे नेता दोस्त लोग बहुत थे यंगर, अब तो हमारे दोस्त लोग बुढ़ा गए सब जो नेता लोग हैं, तो वो लोग तो अब कहाँ आवेंगे यौन रोग लेके हमारे पास। लेकिन उस यंगर डेज में बड़ा मजा आता था। हमारे कई दोस्त आवेंगे, एक बार डॉक्टर साहब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, का पेशाबा में बड़ा जलन हो रहा है। हम कहे अच्छा, तो का कहें इतना तकलीफ है कि हम असल दिल्ली गए थे तो बाथरूम जरा गंदा था, वहीं जो पेशाब किए ना उसके वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो गया। तो हम तो तुरंत मुस्कुराने लगते थे। अच्छा, औरतों में ये हो सकता है, बाथरूम यदि गंदा है और वहाँ औरत यदि पेशाब करती है तो उसका जो छींटा जो है, क्योंकि बचाव के लिए कोई इस तरह का साइलेंसर तो लगा हुआ नहीं इमारत की तरह कि इतना बड़ा यूरेथ्रा है, सीधे यूरेथ्रा और वेजाइनल एरिया इस सब में पानी का छींटा मतलब वो गंदा छींटा आ जाता है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन मर्दों में कोनो कहेगा जी बालू गर्म बालू पर पेशाब कर दिए थे ना, ओकरा चलते हो गया, बात तुरंत समझ में आते। तो तुरंत कहते थे क्या बात, जहाँ एग्जाम तब के चलिए लेटिए जरा एग्जामिन करें, तो फ्रैंक पस निकलता है उसमें। एक बीमारी होती है जो बड़ी कॉमन यौन रोग है, उसमें पस निकलता है पेशाब गए। मैं क्या उस्ताद, ये बाथरूम गंदा था कि लड़की गंदी थी, किन्ने से ले आए थे? तो यौन रोग ज़्यादातर होता है अननोन पार्टनर्स, जिसने कहते हैं बड़ा पुराना कहावत है वन नाइट मैरिज वाली बात, पहले प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में और अननोन पार्टनर कहीं से कॉल गर्ल्स के साथ किया बाहर गए उसमें होता है। दूसरा ये तो हो गया जो लोग थोड़ा सा ये इस वर्ग के हैं कि इस तरह के का करते हैं। दूसरा वर्ग जो है वो नॉट सो क्या कहते हैं प्रॉस्पेरस और व्हाटएवर, तो वही लोकल हुआ। सबसे ज़्यादा बीमारी एकदम बड़ा खुल के मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा यौन रोग के मरीज जो हमारे यहाँ आते हैं वो ईंट भट्टा का मुंशी, यहाँ रेजा सब काम करती है, या कहीं लेबर क्लास के साथ जिनके कंटैक्ट्स होते हैं, अब ठेकेदार हैं फलना है चिलना है ये, वो लोग जब गलत काम करते हैं तो उनको यौन रोग होता है। अब आ जाइए कॉलेज वॉलेज का बच्चा सब, उसका भी वही हाल है, पढ़ लिख रहा है, अब उसी में ही हैज़ दिस सेक्सुअल कंटैक्ट, बहुत सा है, बहुत तरह की महिलाएं ये और ये रहती हैं कुछ पैसे में, उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करती हैं और उसको यौन रोग हो जाता है। तो सबसे कॉमन यौन रोग जो होता है इस तरह के अनप्रोटेक्टेड सेक्स में,
अब तो लोग बड़ा थोड़ा चालू हो गया है, सेक्स जो है अनप्रोटेक्टेड नहीं रहा, अब ज़्यादातर तो लोग होशियार हो गए हैं, कंडोम का इस्तेमाल करते हैं जो कि अच्छी चीज़ है, वो यौन रोग से बचाता है। जो एक तो हम लोग का एक निकला था, इफ़ यू कैनॉट कंट्रोल इट यू कंडोम इट, यदि अब आप कर नहीं चले हैं तो कम से कम कंडोम कर लीजिए, थोड़ा बचाव इसमें हो जाएगा, और बचाव हो जाता है ऑफ कोर्स। तो ये गनोरिया इसको कहते हैं, गोनोकोकल इन्फेक्शन। गोनोकोकल एक बैक्टीरिया है, गोनोकोकाई, जिसका इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है यौन रोग में। और वो गोनोकोकल इन्फेक्शन जब होता है तो पूरा का पूरा पेशाब का, और ये औरत में भी होता है, यदि मर्द यदि गोनोकोकल इन्फेक्टेड है और सेक्सुअल इंटरकोर्स आके अपने वाइफ से कर लिया, मालूम हुआ कि वाइफ को भी हो गया गोनोकोकाई, तो ये बहुत ही परेशान करने वाला है। हालांकि इलाज इसका बहुत आसान है, लेकिन एक तो लोग बताते नहीं हैं, दूसरा जो है ये जो है हाँ बताते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ इसमें है कि सबसे बड़ा कष्ट इसमें क्या होता है लोगों को, जो डॉक्टर के यहाँ खींच के लाता है, कितनों रोकने का शुरू में कोशिश करते हैं, इन्हें उन्हें से दवाई खरीद के खा लेते हैं, पूरा पेशाब का रास्ता सूज जाता है, जिसको गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस हम लोग कहते हैं। और वो सूजा हुआ के होने के चलते पेशाब में जलन होना, पेशाब से पस निकलना, ये सब होता है। इसका इलाज क्या है, पहले तो डायग्नोसिस कर लीजिए। हम लोग पहले तो बातें से पता लग जाता है, देख के पता लगता है, जहाँ हम लोग पस देखते हैं गोनोकोकल, और दूसरा है कि उसका स्लाइड पर ये देखते हैं कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया, और सब करके इलाज शुरू करते हैं। इलाज ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, पहले तो सुईया वुईया बहुत लेना पड़ता था, अब है कि अच्छी अच्छी गोलियां भी आ गई हैं जो हाई डोज में देते हैं, तो तुरंत ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक तो हो गया गोनोरिया जो सबसे कॉमन है, उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बहुत सी डिजीजेज हैं जो हो सकती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और वायरस में सबसे इम्पोर्टेंट है एचआईवी एड्स। यहीं से शुरू ही हुआ था एचआईवी एड्स, जाना कैसे गया अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका वगैरह में लड़कियां जो है वहाँ लोग फ्री सेक्स में रहते थे, जो विजिटर्स जाते थे, और वहाँ के लड़कियों के साथ उन्होंने संबंध किया, और बाद में आए तो उनको यूरिनरी ट्रबल हुआ कुछ दिन के लिए। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है एचआईवी में, यूरिनरी ट्रबल ज़्यादा नहीं होता है, बाकी सब ट्रबल होता है। शुरू में आवेंगे यूरिनरी ट्रबल वगैरह हुआ कुछ दिन का, खांसी सर्दी बुखार वगैरह रहा, ये सब फिर उसका इलाज कीजिए, ठीक हो गया, लेकिन उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, 3-4 साल के बाद फुल ब्लोन एचआईवी हो गया, जिसमें उनको एनीमिया मतलब खून की कमी और तरह की बीमारी, और समझिए जन्मारण स्थिति में आ जाते हैं और मृत्यु होती है। तो ये लॉन्ग टर्म है एचआईवी। उसी में हम लोगों ने बहुत प्रचार किया था कि गोनोरिया में तो कैसे हम लोग बचा लेते हैं, सब जल्दी से इलाज करके, एचआईवी यदि हो गया तब तो भाई मरने की स्थिति है। और इससे लोग इधर काफ़ी डरे हैं, डरने की वजह से कंडोम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंडोम का इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है, अब तो एचआईवी की कुछ दवाइयाँ वगैरह भी आ गई हैं। गोनोकोकल का सबसे बड़ा झंझटिया क्या है, जो बैक्टीरिया वाला है कि उस समय ठीक हो जाएगा, लेकिन पेशाब का रास्ता जो सूजा था, वो सूजन जब ख़त्म होगी तो हील करेगा। मान लिया यहाँ घाव हो गया, घाव जब हील करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्कार बन जाता है। तो यदि लंबी चीज़ में स्कार बना इतना तो ऐसे सिकुड़ेगा, ठीक है, यदि गोल वाला यदि पूरा ऐसे है और उसमें यदि स्कार बनेगा तो चारों ओर से सिकुड़ेगा, सिकुड़ के एकदम पेशाब की नली को बंद कर देगा। तो जैसे जैसे पेशाब नली को बंद करेगा, ये शुरू होती है कहानी ये बीमारी होने के महीना दो महीना के बाद, जैसे जैसे सिकुड़ेगा पेशाब करने में दिक्कत होगी, पतलादार होगा, करते करते कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम पेशाब
रुक जाता है और तब हम लोग के पास आते हैं, चाहे कम हो जाता है तब हिस्ट्री लेते हैं तो मालूम हुआ कि हाँ इनको गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ था। तो ये दो बहुत ही खतरनाक ये हैं। और दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में तो वायरल होता है, बहुत लोग देखती हो कि आता है कि पेनिस के सामने वाले भाग में छोटा 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 दाना हो जाता है। पहले सिफिलिस बहुत होता था, अब तो हम सिफिलिस देखे ही नहीं, सिफिलिस वर्चुअली इरेडिकेट हो गया है। मैंने जैसे ही आया मरीज और गाँव ताव हुआ तो भाई तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सिफिलिस है। फिर इसके अलावा और सब जीवाणुओं से होता है, जो हम लोग कहते हैं कोंडालोमेटस ग्रोथ हो जाता है, छोटा सब एरिया में ग्रोथ वगैरह हो जाता है, तो वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसमें एक ही चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, बहुत लोग का ऐसा होता है कि बहुत ही ठीक ठाक लोग हैं, वैवाहिक जीवन बढ़िया जा रहा, वैवाहिक जीवन में कभी उन्होंने इस तरह का गलत काम इधर उधर नहीं किया, फिर भी उनको सेक्सुअली होता क्या कि वाइफ को हो जाता है और उससे फिर ट्रांसमिटेड होता है, तो फिर दोनों का इलाज एक साथ करना पड़ता है तो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए यही पूछना चाहूँगी कि इन बीमारियों के लिए लोग जो होते हैं अक्सर इलाज से कतराते हैं, इलाज को लेकर भी बहुत ज़्यादा डर है लोगों के मन में, तो इलाज कितना सरल हो गया है और क्या लोगों को अब भी घबराने की ज़रूरत है? ऐसा है कि यदि शुरू में लोग आ जाएं, अपनी गलतियों को समझते हुए कि भाई गलती हो ही, चाहे नहीं भी गलती हुई हो गया, तो डॉक्टर के यहाँ चिकित्सक के यहाँ जो स्पेशलिस्ट हैं उनके यहाँ तुरंत आ जाना चाहिए। तुरंत आ जाइएगा तो इलाज बहुत आसान है। गनोरिया ही यदि बहुत दिन छोड़ दीजिएगा तब भी स्ट्रक्चर होता है, यदि अर्ली स्टेज में आता है इलाज होता है तो सूजन बड़ा बढ़िया से ख़त्म हो जाता है, बहुत लोग का स्ट्रक्चर नहीं होता है। HIV का भी वही हाल है कि लेकिन HIV बड़ा ट्रिकी है, शुरू में पकड़ाना मुश्किल है यदि सही ढंग से नहीं वो आदमी वह बताता है। तो कुल मिलाकर के इलाज यदि शुरू में हो जाए तो अच्छा है, इसके प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए, यदि हुआ है तो हुआ है, आप आके सच बता के इलाज कराइए, नीम हकीम के चक्कर में से मत पड़िए। फिर नीम हकीम के चक्कर में बहुत तरह का भ्रांतियाँ कर दी जाएंगी और फिर लॉन्ग रन में आपको सेक्सुअल क्या है? अभी पहले एक दूसरे एपिसोड में मैंने बताया था कि सेक्सुअल वीकनेस हो जाएगा, नपुंसकता हो जाएगी, क्योंकि मानसिक रूप से इतना बीमार हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से समझा होगा, और जो बात डॉक्टर साहब हमेशा दोहराते रहते हैं वो यही मैं भी एक बार बोलना चाहूँगी कि नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़कर अगर आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाके उसका सही इलाज लें ताकि आपकी समस्या जो है ठीक हो जाए और ना कि बढ़ती चली जाए। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो मेल पर भी हमें अपनी समस्या भेज सकते हैं। धन्यवाद।